प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत भाजपा महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा की अध्यक्षता में गोरखनाथ ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। 80 भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजकीय मुंगबहीर विद्यालय बच्चों से मिलने पहुंचे। बच्चों का जाना कुशल क्षेम, लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा आवासीय किया जाए विद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 42वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। छात्र व छात्राओं ने वितरित किया मेडल, प्रदान किया उपाधि, कहा युवा है देश के भविष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए से स्थापित प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का किया उद्घाटन। 97 निवेशकों को भूखंडों के आवंटन का दिया गया प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का सकारात्मक बना है माहौल, युवाओं को इसका लेना चाहिए लाभ, सरकार सुरक्षा की लेती है गारंटी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा 15 दिवसीय अभियान के अंतर्गत गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्तदान महाशिविर का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान लगभग 80 भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ महाराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक रक्तदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। मुझे प्रशंसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से लेकर देश की आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान के इस कार्यक्रम में माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन ऐसे अनेक लोगों का जिनके पास वास्तव में कोई आवश्यक परिवार या सगे संबंधी को प्राप्त हो, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्लड के अभाव से जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है, ब्लड की कमी के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं। उन स्थितियों में ब्लड बैंक से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड उसे ग्रुप का प्राप्त हो जाता है तो उसकी जान बच जाती है। हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान है। युवा मोर्चा इस अभियान के जरिए एक पुलिस कार्य कर रही है। समाज को भी आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता नीरज दुबे, रजत गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, मनीष जैन, करवीर सिंह, अमित नारायण, राहुल गिरी, अभिषेक श्रीवास्तव, आलोक आनंद, अनुराग सिंह, शिवम सिन्हा, प्रमोद पाठक, राजकुमार श्रीवास्तव, मंजीत जायसवाल, प्रमोद कुमार, रविन्द्र कुमार, श्वेत विकास पांडे और गौरव गुप्ता, संतोष चंद, विकास पांडे, अमित पांडे, शशांक द्विवेदी, राहुल साहनी, अनामिका सिंह, आशुतोष चौबे, सत्य सिंह, साहिल श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय गौतम, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, भाजयुमो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज मौर्य, महानगर मीडिया प्रभारी राहुल साहनी उपस्थित रहे। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300,
XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हुमायूंपुर स्थित राजकीय मूक बधिर विद्यालय बच्चों से मिलने पहुंचे। वहीं मूक बधिर बच्चे मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काफी देर तक ताली बजाकर बच्चों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। बच्चों के इस प्रेम को देखकर मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए और उन्होंने हाथ उठाकर बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया, बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया, उनका कुशल क्षेम जाना व उपहार भी भेंट किया। वहीं बच्चों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बच्चों ने हस्त निर्मित कलाकृतियां, सजावटी सामान बनाए थे। उन्होंने बच्चों के क्लासरूम का भी निरीक्षण किया, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की जानकारी ली। उन्होंने कहा इस विद्यालय को आवासीय बनाया जाए, यहां पर बच्चों को आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी बच्चों को आज के इस अवसर पर मैं हृदय से इनका अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपके लिए अच्छी व्यवस्था करेगी और आपके लिए हर संभव सहयोग करने के लिए हम सभी तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में 200 फरियादियों के स्वयं पास जाकर बारी बारी से उनकी समस्या को सुना। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्या को गंभीरता पूर्वक व ध्यान से सुनकर निस्तारण करें, जिससे किसी फरियादी को इधर उधर जाना ना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कोई माफिया जमीन कब्जा कर रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गंभीरता दिखाएं। इनको इलाज के लिए धन की आवश्यकता है, उसका एस्टिमेट बनाकर शासन में भेजा जाए, उनको शासन से पैसा भेजकर इलाज करवाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पैसा जो है इसका पैसा देने का नौ जी, क्या बात है, कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है, इसको देखोगे जी। खुशी नगर को स्कूल स्कूल पढ़ते हो, कहाँ से आए, संभल का मामला तो नोट करो, आप कहाँ से आए हैं, कुशीनगर का मामला है, आप कहाँ था, देवरिया का मामला है, आप चिंता मत करो, घबराओ, क्या बात है, ये पिपराइज का मामला बोलो, आप कहें जाए। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
आपको बता दें कि दीक्षांत कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचते ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंवले के पौधे का रोपण किया। उसके बाद राज्यपाल कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपाधि व मेडल पाने वाले अभ्यर्थियों को शपथ दिलाया और उनको उनके योग्यता के आधार पर छात्र और छात्राओं को 32 स्वर्ण वितरित किया। इसके साथ ही 25 पीएचडी धारकों को उपाधि प्रदान किया। उसके बाद राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के फिटनेस सेंटर का लोकार्पण किया और परिषदीय विद्यालय के बच्चों में किट वितरित किया। इस अवसर पर छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भाव का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है और पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा का आयोजन 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक मनाया जा रहा है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्र गांव में आयुष्मान आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करें, इससे आपके यूनिवर्सिटी का नाम होगा। जो कामगार लोहार और उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया जाए, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए कि वो किस तरह से लोन प्राप्त कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रयास करे, राष्ट्र के लिए युवा शक्ति का बहुत योगदान है। युवाओं की सक्रियता से देश महान बुलंदियों को छू रहा है। आजादी के अमृतकाल में युवा नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रयान में भी महिलाओं का विशेष योगदान है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 2 बेटियां चंद्रयान 3 में कार्य कर रही हैं। आप सभी को अपने शक्ति को पहचानना होगा, तभी देश को 2047 तक महान शक्ति में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों से आग्रह है कि देश की संस्कृति व मूल्य से भी जुड़े रहें। अध्यापक छात्रों के दिलों में व दिमाग में लौ जलाने का कार्य करें, इससे समाज का विकास होता है। और अध्यापक व टीचर, आप सभी के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। पहले से ही यूनिवर्सिटी में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, सभी समस्या का समाधान है। इस समय केंद्र व प्रदेश में शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए छात्रों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। ये पदक विजेता छात्र उन छात्रों से बात करें जिससे उनका मनोबल बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। यूनिवर्सिटी ने 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टेबल व चेयर दिया है। आज तक इस दिशा में सरकार भी सोच रही है, सभी ने प्रयास किया है। सभी 6,000 आंगनबाड़ियों में यह सामग्री पहुंची है। इस तरह के कार्यक्रम के साथ जुड़कर सभी विश्वविद्यालयों को आंगनबाड़ी को कुछ न कुछ दिया जाए, जिससे बच्चों को सभी शिक्षा मिल सके। हम लोगों का प्रयास है कि केजी से पीजी तक बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। मेवाती राय स्मृति स्वर्ण पदक श्रीमती कमला देवी एवं डॉक्टर बीए एलएलबी परीक्षा में सरस्वती भगवती निशेष या कुंडेन तुषार हार धवे स्वर्गीय मनीष तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक अति विशिष्ट पूर्व छात्र माननीय राजनाथ सिंह पदक इधर देखो हर एक पर भीड़ कर उनका स्वागत करें। वीर दयाल उपाध्याय गोरखपुर दीपेंद्र तिवारी स्वर्ण पदक प्रसाद रूमता स्मृति स्वर्ण पदक पदक विशिष्ट पूर्व छात्र माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार आज के दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम पटेल जी, विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा अन्य समितियों के सम्मानित सदस्यगण एवं अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्यगण एवं शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, समस्त छात्र एवं छात्राओं, हमारी प्राइमरी स्कूल की सभी बच्चियों, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों, नाथ परंपरा के महान योगी गोरक्षनाथ जी की पावन सिद्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके नाम पर आपके विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करते हुए अंत्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मानना था कि जब किसी राष्ट्र के विकास की चर्चा की जाती है उसमें शिक्षा का स्थान सर्वोपरि होता है। इसलिए विश्व के किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के बिना असंभव है। क्लास रैंकिंग में परसेप्शन का सबसे ज्यादा मार्क्स होता है 50%, एनआरआई के परसेप्शन का सिर्फ 10% मार्क्स होता है। और इसमें फायदा ये होता है कि ए डबल प्लस नेक में मिला है तो ऑटोमेटिक 3 मार्क्स मिल ही जाता है। तो प्राप्त करने का रहा 7 पॉइंट, और वो भी परसेप्शन का, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरी यूनिवर्सिटी की राय क्या है, इंडस्ट्री की राय क्या है, पब्लिक की राय क्या है, ओपिनियन पोल जिसको हम बोलते हैं, वो ही आपको रैंकिंग देने वाले हैं। और इसी वजह से हमें ये प्रयास करना होगा कि हम जहाँ भी अपॉइंट साइन करें उनके साथ बैठ कर चर्चा करें और नए नए जो सिलेबस रोजगार पर हमारे सिलेबस ये सब इसमें होना चाहिए। नेपाल बॉर्डर हमारे नजदीक है मित्रों, नेपाल, उनके साथ भी एमओयू साइन करके वहाँ के 3, 4, 5, 10 अध्यापकों आपको बॉर्डर रैंकिंग में रैंक दे, इसका भी प्रयास करना पड़ेगा। ये सब कुछ है, हम सिखा रहे हैं सभी इसी को, और इसी भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लंबी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जब ये बात निकली है तब हम कंटिन्यूसली, एक बार एक रैंक मिल गई तो पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें आगे ना आगे बढ़ता है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आगे कैसे बढ़े, वर्ल्ड में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाए, इसके बाद हमें जाना। दूसरी बात मैंने ये देखा, और मैं पिछले 5 साल से देख रही हूँ, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिलता है, बोलिए ना भैया, आज भी वही हुआ। मुझे तो लगता था कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा, लेकिन आजकल महिलाओं की बोल पा रहा नारी सशक्तिकरण, नर सशक्तिकरण कब होगा? अब देखिए स्टेज पर तीन काम आपको
करना है कि नहीं करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कुछ बोलूं कि भाई आपकी बिजनेस करते रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यह गर्व की बात है कि विगत दिनों इसरो द्वारा भेजा गया श्रीयान आदित्य N1 के टेलीस्कोप को तैयार करने में आपके विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी और डॉक्टर आगी यूनिवर्सिटी का योगदान है। ये स्थिति थी यूनिवर्सिटी की, ऐसे ऐसे लोग बाहर निकले हैं, ऐसे लोग बाहर निकले हैं, हमें भी उसके मार्ग पर जाना है। मैं दोनों पूर्व छात्रों का अभिनंदन करती हूँ और उनके कृतित्व के लिए बधाई देती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप में से कोई ना कोई ऐसे लड़का या लड़की छात्र छात्रा निकले जो आदित्य L1 में नहीं तो 2 में भी हमारे यहाँ से कोई ऐसा बनना चाहे। और मेरी माटी मेरा इधर इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र व छात्राओं ने कहा जी हमें 5 मेडल मिले हैं लॉ में 3 ईयर LLB में। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? LLB किया है, अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे क्या करना है? आगे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही करना है, अब उसके लिए ही मेहनत करेंगे। आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। LLB जो कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत एडवाइस दे सकते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई करेंगे उनसे हम बोलेंगे कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई करें, बुक्स पे रिलाई करें, नोट्स बनाएं और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और मल्टीपल रिवीजन करें, एग्ज़ाम में इररिलेवेंट चीज़ें ना लिखें और रिलेवेंट केस लॉ सेक्शंस ऑर्डर्स केवल यही लिखें तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मेरा नाम शर्मिष्ठा तिवारी है, मैं BA BSc मैथ। पढ़ाई तो मेरी चाइल्डहुड से ही हो रही है, बहुत खुशी है। हाँ, उन्होंने बोला कि साइंस और मैथ के स्टूडेंट, फिजिक्स मैथ के स्टूडेंट तो नासा में जाते हैं, सो आगे के लिए प्रिपेयर रहना। PhD की डिग्री मिली है इतिहास विभाग से, हमने PhD कंप्लीट किया हुआ अपना। अभी लगभग 6 साल हो गए, बीच में कोरोना का दौर था उससे इस पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन पदक मिला, पदक उपाधि मिलती है, डिग्री मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह यही सब है, बीच में अनिल कुमार यादव हैं। मैं प्राचीन इतिहास में जो है बुद्ध चैतन्य एक सांस्कृतिक अध्ययन पर PhD की उपाधि प्राप्त की गई है और मैंने जो है अपनी PhD 4.5 वर्षों में पूरा किया है। मैं एक ग्रामीण आंचल से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि अथक परिश्रम से हर कार्य संभव है। हमें जीवन में निराशाओं से निकलकर जीवन में सदा सद्मार्ग का और गुरु और माता पिता के आशीर्वाद लेकर चलना चाहिए, वो कार्य हमेशा सफल होगा। डॉक्टर कमलेश कुमार, मुझे 2 मेडल मिले BA LLB में। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? बहुत उत्साहित हूँ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मेडल मिले और बहुत खुश हूँ मैं। उन्होंने बधाइयाँ दी और उन्होंने कहा ऐसे ही आगे मेहनत करो और नाम रोशन करो। आगे क्या करना है? आगे मुझे जुडिशरी करना है। आकृति मिश्रा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300,
XUV700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीदा क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए से स्थापित प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 97 निवेशकों को भूखंडों के आवंटन का प्रमाण पत्र भी दिया। इससे 900 करोड़ रुपए के निवेश की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। फैक्ट्रियों की स्थापना से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेक्टर 26 में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 97 में से 10 निवेशकों को भूखंड आवंटन पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से मिला। अलग अलग यूनिट लगने से करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। यहाँ करीब 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने गीदा क्षेत्र को 136 करोड़ रुपए के अवस्थापना विकास कार्यों का उपहार दिया। इसमें 117 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 19 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गीदा सेक्टर 26 स्थित तत्वा प्लास्टिक पाइप प्राइवेट लिमिटेड का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया। इस प्लास्टिक फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और परोक्ष मिलाकर करीब 500 लोगों को रोजगार मिला है। स्वीकार करें गुरु, आदर पूर्वक है वंदन, सदा बना रहे आशीष आपका, आपका स्वागत है अभिनंदन। आज के इस शुभ अवसर के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर गीदा में निवेश परियोजनाओं के आज के इस उद्घाटन के साथ ही आशय पत्र तथा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी प्राप्त होगी। इसके लिए गीदा वासियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी निक नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देते हुए गीदा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है। इस सकारात्मक माहौल विकास का है, सुरक्षा का है और समृद्धि का है। जब प्रत्येक व्यक्ति के एजेंडे में विकास होता है तो वह हर तरीके से उसके लिए माहौल बनाने में अपना योगदान देता है। आप सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और उसमें भी आज से 5-7 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हरेक व्यवस्था में हावी था, अराजकता चरम पर रहती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, विकास कार्य ठप हो गए थे और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। हर संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। गीदा का यही वही क्षेत्र है जहां पर 2005-06 में समाजवादी पार्टी की सरकार में स्लॉटर हाउस लगाने का कार्य हो रहा था। आज भाइयों बहनों, स्लॉटर हाउस नहीं, आज यहाँ पे इथेनॉल का प्लांट लगता है। आज यहाँ पे हर घर नल की योजना के लिए, पाइप पेयजल की स्कीम के लिए बनने वाले पाइप के निर्माण की फैक्ट्री लगती है और आज यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं बल्कि डेयरी का प्लांट लगता है। ये सभी एक सकारात्मक सोच का परिणाम है जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है या मिल रही है। मैं भी तत्वा
करने के बाद आपके पास आया हूं। मैं वहां पे पूछ रहा था जो नौजवान वहां नौकरी पाए हैं, कोई गोरखपुर का है, कोई महाराजगंज का है, कोई संत कबीर नगर का है, कोई बस्ती का है, कोई सिद्धार्थ नगर का है, कोई कुशीनगर का है, कोई देवरिया का है, यानी सभी, कोई मऊ का है, कोई आजमगढ़ का है, इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही अगर कार्य पा जाए तो उसको पलायन करने के लिए, अपने घर को छोड़ करके दूर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और आज दृश्य हम सबको यहां पर कीड़ा में, हमारे जनपद में, हमारे अपने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अकेले गोरखपुर में ही प्राप्त हुए थे। 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर, 36 लाख करोड़ के प्रस्ताव इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि 1 करोड़ नौजवानों को ये सभी निवेश पर 102 आशय पत्र का वितरण हो रहा है। 102 आशय पत्र का मतलब यानी अब उनको जमीन का आवंटन हो चुका है, अब ये अपना यहां पे उद्योग लगाएंगे और उद्योग लगाने के साथ ही उनको वहां पर लोगों की भर्ती की प्रक्रिया के साथ लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ में देना प्रारंभ करेंगे। गीड़ा प्रशासन से मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहूंगा कि स्थानीय नौजवानों को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार के सेंटर खोल करके उद्योग की क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस प्रकार के पाठ्यक्रम, उस प्रकार के कोर्स यहाँ पे चला करके स्थानीय नौजवानों को अधिक से अधिक उद्योगों में अगर हम समायोजन करवाएंगे तो उसका परिणाम होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में रह करके यहाँ पे स्थानीय स्तर पर कार्य भी कर पाएंगे, बेहतर परिणाम भी दे पाएंगे। और किसी आपदा के समय, कोरोना जैसी आपदा के समय प्लान का दंश उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर गृहस्थी का पालन करते हुए उद्योग को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। उद्योगों के पास अपनी बुनियादी सुविधाएं, बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं हो, इसके लिए भी आज यहां पर गीड़ा प्रशासन ने तमाम कार्यक्रमों को, सड़क है, ड्रेनेज है, स्ट्रीट लाइट है, इन सभी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी कराया है। वास्तव में हमारे औद्योगिक परिक्षेत्र इस प्रकार के होने चाहिए जो न केवल उद्योग लगाने के लिए बल्कि वहां कार्य करने वाले हर तबके के जो कार्मिक हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के अनुसार बेहतरीन माहौल दे सके, स्वास्थ्यवर्धक माहौल दे सके। और उस प्रकार के माहौल के लिए बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं आवश्यक है और उन सुविधाओं के लिए भी आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर गीड़ा के अंदर अनेक उद्योगों का यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें वरुण बेवरेज का है, ज्ञान इंडस्ट्रीज का है, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स का है, तत्वा प्लास्टिक का है, CWC के एक यहाँ पर भंडारण का कार्यक्रम है, इंडिया ऑटो व्हीकल्स का है, बालाजी प्रोसेसर्स का है, राजेश कुमार रुमका का है, यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तमाम अन्य लोगों को भूमि आवंटन के कार्य प्रारंभ हुए हैं। इसमें ऑटोमोबाइल के, प्लास्टिक उद्योग के, फूड प्रोसेसिंग के, टेक्सटाइल के, मेटल उद्योग के, लकड़ी से संबंधित उद्योग के और अन्य उद्योगों के लिए अब फ्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण भी गीड़ा में हो रहा है, गीड़ा का व्यापक विस्तार हो रहा है। हम इसे धुलिया पार्क
लेकर के जा रहे हैं, यानी सैजनवा से धूलिया पार पहले सड़क से जाना कठिन होता था, अब यह गीडा से लेकर के धूलिया पार तक जाएगा। अकेले धूलिया पार में 5,000 acres से अधिक भूमि लेकर के उद्योग लगाने के लिए एक व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध हो सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक माहौल विकास का पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के अंदर बना है, इस सकारात्मक माहौल का लाभ यहाँ का युवा लेगा, यहाँ पर वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य पाएगा, यहाँ पर उद्योग लगाने वाले और निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक और उद्यमी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, न सुरक्षा के मामले में और न ही किसी प्रकार की शासन की सुविधा की दृष्टि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए, सरकार सुरक्षा की गारंटी लेती है, यहाँ किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री सोमवार को गीडा के सेक्टर 26 में आयोजित तत्वा प्लास्टिक पाइप के उद्घाटन, 97 उद्यमियों को 102 भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण व 136 करोड़ के ढांचागत विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास असुरक्षा के माहौल में कोई निवेश नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर माहौल बनाया है, जिन 102 भूखंडों के लिए आवंटन पत्र दिया गया वहां पर 900 करोड़ का निवेश होगा, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब प्लास्टिक की इकाई शुरू हो चुकी है और यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट का केंद्र स्थापित करें, जिससे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को दक्ष बनाया जा सके। फैब्रिकेशन ऑफ ऑटोमोटिव बॉडीज के लिए हरिओम नगर गोरखपुर के निवासी हमारे उद्यमी फैब्रिकेशन एवं ऑटोमोटिव बॉडीज के लिए श्री राजेश कुमार रुमटा एवं नंदिनी रुमटा जी वनस्पति तेल का उद्यम, जोगनाथ सिंह जी एवं हमारे मुंबई से आए हुए पीवीसी गुड्स एवं होल्डिंग के उत्पाद के लिए, अरे इधर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमलों से साहिश में आज गुरु गोरखनाथ की धरा पर पॉलिथीन एवं प्लास्टिक के 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट, शिवेंद्र केजरीवाल जी पीवीसी पाइप के लिए 4,100 नए मॉडल के रूप में उतरी है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सौगात। एम्स का संचालन एवं दशकों से बंद पड़े खाद कारखाना तथा चीनी मिल के पुनः संचालन से किसान, युवा और आम जन में नई आशा की किरण जगी है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। एक समय था जब गोरखपुर गुंडा माफियाओं और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। व्यापारी, निवेशक और आम जन भयभीत और निराश थे। कानून व्यवस्था सुधरी तो गुंडे माफिया अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी तब जानलेवा बीमारी का अंत हुआ। आज आमजन खुशहाल है। कनेक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ लिविंग और औद्योगिक विकास के साथ ही पर्यटन की असीम संभावनाओं को नए अवसर मिलने से माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर नए उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बीते 6 वर्षों में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश किया है। प्लास्टिक पार्क, गवर्नमेंट पार्क, औद्योगिक टाउनशिप, औद्योगिक गलियारा, व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजना गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई पहचान देगी। गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के
नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। औद्योगिक विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के उद्यमियों को भूखंडों का आवंटन पत्र वितरण, अवस्थापना कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास और प्लास्टिक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे 5,500 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निश्चित तौर पर यह परियोजनाएं कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उद्योगों को रफ्तार, युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार। जी, इस सहजनवा विधानसभा में गीता औद्योगिक क्षेत्र का लगातार 6 वर्षों से जो ये गीडा नोएडा के तरह विकास हो रहा है, बड़ी बड़े उद्योग कंपनियां यहाँ आ रही हैं। आज पूरे भारत के उद्यमियों की निगाह इस गोरखपुर के गीडा में है। बड़े बड़े उद्यमी यहाँ आना चाह रहे हैं। जो पूज्य महाराज जी ने इस 6 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्र उद्योग लगाए, भयमुक्त उद्योग, जो 2017 के पहले सपा और बसपा के गुंडे जो यहाँ यह 33 साल पुराना यह गीडा अपने आप में केवल औद्योगिक क्षेत्र का नाम था, वो 6 वर्षों में बड़े बड़े लोग यहाँ उद्योग लगा रहे हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं सबसे अधिक लाभ इस पूर्वांचल सहित सहजनवा विधानसभा का है। आज हमारे नौजवान यहाँ रोजगार पा रहे हैं। आज हमारे जो पूर्वांचल के नौजवान जिन्हें बाहर पलायन करना था, वह गीडा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक यहाँ रोजगार पाके काम कर रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आज यह गीडा आईटी का हब हो गया है। आज अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे श्रमिक के बच्चे हैं, अटल आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। वहाँ बच्चों का एडमिशन भी शुरू हो गया, कक्षाएं चल रही हैं। आज आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय, आज जो बच्चियां यहाँ बीएससी करने शहर में जाती थी, पूज्य महाराज जी के कृपा से आज दीनदयाल राजकीय में बीएससी भी आ गया है। आज खेल के क्षेत्र में आज मस्करा इंटर कॉलेज पे पूज्य महाराज जी ने मिनी स्टेडियम बन रहा है कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बाहर न जाना पड़े, यहीं से खेल के प्रतिभा पा के पूरे भारत में जाके अपना नाम करे। आज पूज्य महाराज जी या नगर पंचायत सहजनवा में केवल एक था, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज नगर पंचायत 3-3 नगर पंचायत की सहजनवा में अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। पूज्य महाराज जी की कृपा से आज सहजनवा विधानसभा, चाहे गोरखपुर जाना हो, लखनऊ जाना हो, नेपाल जाना हो, बिहार जाना हो, और नहीं तो फोरलेन से पूर्वांचल एक्सप्रेस भी सहजनवा विधानसभा में आ रहा है। आज विकास की दृष्टि से चाहे सहजनवा से निवास होके बछिला जाना हो, चाहे सिहापार से भक्सरा जाना हो, चाहे पटना चौराहे से रिठुआ को लोके घसरा जाना हो, चाहे भीटी रावत से हरपुर होके कटसारा जाना हो, चाहे कटसारा से सहजनवा जाना हो, या पूरी रोड पूज्य महाराज जी की कृपा से चमचमाती हुई बन के तैयार है। पूज्य महाराज जी का जो आज सहजनवा विधानसभा में विकास पे, आज ये गीडा औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, आज जो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। अभी पूज्य महाराज जी हम लोग 15 दिन के लिए राजस्थान गए थे। हम लोग जब वहां गए, अपने आप को बताएं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। अगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से हैं, तो राजस्थान के लोग जो स्वागत, जो हृदय से अभिनंदन गोरखपुर, वो महाराज जी वाला गोरखपुर जो स्वागत हुआ। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300,
XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291।